हाय गाइस, हम मैं माना गांव में, ये है भारत का प्रथम गांव। पहले इसको लास्ट गांव बोलते थे, लेकिन अभी प्रथम गांव। ये है भारत का पहला गांव। पहले ये लास्ट गांव होता था, लेकिन अब भारत का पहला गांव हो गया माना गांव। बढ़िया क्लाइमेट है, बहुत बढ़िया। यहाँ से यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चाइना बॉर्डर यहाँ से 24-25 किलोमीटर दूर है। इसे कहते हैं जय महावीर घंटाकर्ण प्रवेश द्वार। देश का मान माना गांव। यहाँ पे मेन है दो नदियाँ, सरस्वती और अलकनंदा, दोनों का संगम होता है। यहाँ पे रोड खत्म हो जाता है, यहाँ से गांव स्टार्ट हो जाता है। ये है माना गांव की गलियाँ। भैया कहाँ से दिखती है नदी? नदी कहाँ से दिखती है? ये यहाँ पर से ये जो आगे ना जब यहाँ से नीचे आपको संगम दिखाई देगा, केशव प्रयाग दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा, फिर आगे जाइए आप भीमपुर। ठीक है, धन्यवाद। तो इन्होंने बताया है यही आपको संगम दिखाई देगा। और देखो पहाड़ों की ब्यूटी, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। यह है संगम व्यू पॉइंट मणिभद्रपुरी, भारत का प्रथम प्रयाग केशव प्रयाग, अलकनंदा और सरस्वती का संगम। देखिए यहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं, सरस्वती, ये सरस्वती है और वो अलकनंदा। सरस्वती और अलकनंदा ये दो नदियाँ हैं, ये सरस्वती है और ये अलकनंदा है। इन दोनों का यहाँ पे संगम होता है। सरस्वती वहाँ दिखती है, वहाँ दिखती है, ये थोड़ी सी दिखती है। हाँ वही देखनी होगी। चलो आओ, ये आओ, ये नहीं ऊपर है। यहाँ पे और भी ये नदी है। कहा है कि सरस्वती इतनी ज्यादा नहीं दिखती है, सरस्वती दिखती है बहुत थोड़ी सी, बस ऐसे लुप्त हो जाती है उसके बाद। तो हम जा रहे हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे सरस्वती नदी दिखती है। सरस्वती नदी का इतिहास मैं आपको बताता हूँ। भगवान गणेश जी जो थे, एक बार भगवान गणेश तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने सरस्वती माता को बोला कि नदी को कहा कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे आइए। लेकिन सरस्वती नदी ने गणेश जी की बात नहीं मानी और बहुत तेज धारा प्रवाहित हुई। उसके बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि तुम धरती पे प्रवाहित होगी, तो तुम जैसे धरती पे प्रवाहित होगी वहीं से लुप्त हो जाओगी। इसीलिए सरस्वती नदी जो है सीधा प्रवाहित होते ही पाताल लोक में लुप्त हो जाती है। तो यहाँ की ये लोकल मार्केट है, देखते जाइए। सरस्वती नदी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवाधिदेव महादेव की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। हर हर महादेव।
जय हो सरस्वती माता। ये है सरस्वती माता, ये देखिए चल ले रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये रही देखिए सरस्वती माता की। ये सरस्वती मैया, कहाँ से आ रही है? यहीं से आ रही है सरस्वती माता। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, कम से कम दर्शन कर लें। जय सरस्वती माता की। इस तरह से सरस्वती माता यहाँ से निकलती हैं और लुप्त हो जाती हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक होती हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद सरस्वती माता यहाँ पे ये लुप्त हो गई। जय हो सरस्वती माता। यह है अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम। अभी थोड़ा पानी जो है वो गंदा हो रखा है, नहीं तो एक पानी साफ आता है, एक पानी नीला आता है। इससे बाद यहाँ दोनों नदियाँ मिल जाती हैं।